हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मॉनसून सीजन या उसके जस्ट बाद डेंगू फीवर का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वैसे स्थिति में आपको काफ़ी सतर्क रहने की आवश्यकता है ताकि आपका बच्चा बीमार ना पड़े। तो इस वीडियो में मैं आपको डेंगू से बचने के कुछ उपायों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि डेंगू फीवर एडिस नाम के मच्छर के काटने से फैलता है, तो इसीलिए हमें इस एडिस मच्छर से बचने के उपायों के बारे में जानना होगा। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये एडिस नाम का मच्छर ज़्यादातर दिन में ही काटता है, तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को दिन में फुल स्लीव्स का शर्ट पहनाएं, फुल पैंट पहनाएं, ताकि उसका सारा शरीर ढका हुआ हो और मच्छर काट ना पाए। दूसरी बात यह है कि आप मॉस्क्यूटो रिपेलेंट क्रीम का भी प्रयोग कर सकते हैं ताकि बच्चों को इन मच्छरों से बचाया जा सके। चूंकि यह मच्छर पानी में पनपता है, इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप अपने घरों में या घर के आसपास पानी ना जमा होने दें, वर्षा के पानी को घर में या अपने आसपास में ना जमा होने दें। हर 7 से 10 दिनों पर अपने घर एवं उसके आसपास इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करें, तो इस तरह आप अपने बच्चों को एडिस मच्छर से बचा सकते हैं और डेंगू होने से रोक सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे ज़रूर शेयर करें एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।